मृतक के परिवार से मिले जाप सुप्रीमो, बिहार पुलिसिंग पर उठाए सवाल। सहरसा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, अगुवानपुर वार्ड नंबर 7 पहुंचकर मृतक ज्योतिष कुमार के परिजनों से मुलाकात की और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। दरअसल बीते कल 3 दिन से लापता 21 वर्षीय युवक ज्योतिष कुमार का शव अगुवानपुर नहर से बरामद किया था। अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इधर मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह बिहार में छोटी छोटी बातों को लेकर हत्याएं हो रही हैं, सहरसा में भी एक ही दिन अलग अलग 3 जगहों पर हत्या हुई। अगुवानपुर में ज्योतिष कुमार, जो अपने पिता के इकलौते पुत्र थे, उसकी भी हत्या अपराधियों ने कर दी। ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी, कैसे लोग जिएंगे? बस एक ही चीज है, सियासत, राजनीति, भ्रष्टाचार जिंदा रहना चाहिए, लेकिन आम आदमी की हिफाजत और उसकी खुशियों से सरकार और पॉलिटिकल पार्टी को मतलब नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों पर कार्रवाई करे और ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिले। लगातार जिस तरीके से मैं डेली देख रहा हूँ, पटना में भी कल 4 हत्या, 4-4 हत्या, किसी न किसी छोटे बड़े मोटे कारणों के कारण हत्या, छोटी छोटी घटनाएं, छोटे छोटे अहंकार के कारण। सहरसा में भी 3-3 हत्याएं हुई। वही मैंने कहा कि 3-3 हत्याएं सहरसा में, और इकलौते बेटे। अब मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा जघन्य और जुर्म अपराध क्या हो सकता है। इससे पहले भी वहाँ एक मर्डर हुआ, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ के लोग, हमारे परिवार के लोग कह रहे हैं कि इसके पहले भी उसी स्थल पर एक मौत घटना और घटी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो सब कुछ बिल्कुल समझिए कि भेगाबॉन्ड हो गया है। मतलब कोई मतलब समाज बचेगा, आम आदमी की सुरक्षा क्या होगी, आम आदमी कैसे जिएंगे, आम आदमी की खुशियां क्या होगी? बस एक ही चीज़ है, सियासत, राजनीति इन लोगों की जिंदा रहनी चाहिए, लूट खसोट जिंदा रहना चाहिए। उसके अलावा आम जनता की सुरक्षा, आम आदमी की हिफाजत, उसकी खुशियाँ, इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी को और सत्ता को मतलब नहीं। सत्ता जिसकी भी रहे, बदलते रहे, आते रहे, लेकिन आम आदमी का जीवन कभी सुरक्षित नहीं है। और इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए कि सबसे पहले आम आदमी का जीवन सुरक्षा, एसपीडी ट्रायल जो लोग हैं उसको एसपीडी ट्रायल इसमें किया जाए। नेम्ड एफआईआर हुआ है और 4 महीने से 3 महीने के अंदर इसको फांसी की सजा।